हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, मोबाइल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट, कुछ ऐसे लेटर, जिससे लगा कि जो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है वो जरूर कहीं ना कहीं इस घटना में शामिल है, इसके बारे में अहम जानकारी रखता है, या स्वयं शामिल है, या निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस पूरे घटनाक्रम से। तो हमको ये समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है ये पीड़िता को परेशान कर रहा था कई माह से, है तो रिश्तेदार लेकिन पीड़िता को कहीं ना कहीं प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा था, उसको मॉडलिंग का कैरियर बनाने का प्रलोभन दे रहा था, उसको एक साइकिल भी खरीद करके दी ताकि वो इसके बहकावे में आए। लेकिन इसके मन में ये घटना करने का विचार आया, पीड़िता के रिश्तेदार योगेश द्वारा ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, और उसके सहयोग में उसके मामा के लड़के और मामा के लड़के के एक अन्य रिश्तेदार द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में तीन व्यक्तियों द्वारा ये जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया। दो मोटरसाइकिलें, एक पर दो लोग, एक पर एक अकेला व्यक्ति, इन लोगों ने पहले रेकी करी, बहुत ही भरपूर प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को किया गया। इस व्यक्ति को सीरियल देखने का शौक था, क्राइम पेट्रोल व अन्य अपराध से जुड़े हुए सीरियल देखने का शौक था। जो इसने चुनौती पेश करी वो बड़ी, इस व्यक्ति द्वारा 15,000 रुपए के लालच को देकर के अपने दो रिश्तेदारों को इस पूरे सीक्वेंस में शामिल किया गया। उससे पहले भी 23 नवंबर को पीड़िता के पिता के ऊपर भी डंडे से एक हमला इसके द्वारा कराया गया। जो चैट रिकवर हुई है उसमें पीड़िता एक जगह पर यह कह रही है कि 23 नवंबर की घटना कि जरूर तुम्हारे द्वारा ये घटना की गई होगी, यह आशंका व्यक्त की गई। वहीं से जो व्यक्ति 23 तारीख की घटना में शामिल थे वही इस दौरान भी इसी घटना में शामिल थे। ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं, ये चैट्स आ गई हैं, चैट के साथ साथ कुछ हमें इसके हस्तलेख में लिखे हुए कुछ लेटर्स आ गए हैं जिसको हमने सबको फोरेंसिक मिलान के लिए हमने भेज दिया है। इसकी वो कॉपी मिल गई है जिसके पन्ने फाड़ करके इन लेटर्स को लिखा गया, लेकिन देने की संभवतः ये हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए इसके घर से ये लेटर बरामद हुए।